आज हम बनाएंगे रवा का लड्डू। रवा ले लिया आधी कटोरी हमने, छुहारे और नारियल काट लिया है, पिस्ता और बादाम काट लिए हैं। मावा हमने बना के मिक्सी में पीस लिया है। चीनी जो है पीस ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं रवा का लड्डू बनाना। 3 इलायची ले लिया है हमने। एक कढ़ाई ले लेंगे हम, रवा को भून लेंगे। काफ़ी देर हो चुकी है, हमारा रवा जो है भून गया है, पिंक कलर का हो गया है। अब इसको हमें थाली में निकाल लेंगे। रवा हमारा भून गया है, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब कढ़ाई रखेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा हमने आधा कप पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो रहा है। तब तक हम इलायची को छील लेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें से थोड़ी सी पीसी शक्कर डाल देंगे। हमने इसमें आधी कटोरी करीब शक्कर डाल दिया है। आधी कटोरी के करीब हमने शक्कर डाला है इसमें। हमारी चाशनी जो है पक रही है। इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इससे पहले सब मसालों को हमने डाल दिया है, बादाम, पिस्ता, नारियल, छुहारा। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे। इलायची हमने डाल दिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। डाल देंगे इसमें जो हमने पीस कर रखा है। हमने मावा डाल दिया है, मावा डाल के मिला लेंगे। फिर इसको ठंडा करेंगे, गैस बंद कर देंगे। हमने इसको ठंडा कर लिया है। इसको हम छोटा छोटा लड्डू बना लेंगे। हमारे सूजी के लड्डू जो है बनकर तैयार हुए, बहुत टेस्टी लड्डू।